अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी टिक्का फ्लेवर में। यहाँ पे 2 कप मैदा मैंने ले लिया है और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें और 1 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। 1 अंडा ले लेंगे और ईस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। अंडे को अच्छी तरह फेंट के डालें और चाहें तो शुगर और जो नमक है वो आप अंडे में मिक्स कर लें, ऑयल अंडे में मिक्स कर लें, या फिर आप डायरेक्ट मैदे में डाल लें। ईस्ट को भी मैदे में डाल लें तो बेहतर है। फिर मैंने अंडा यहाँ पर फेंट के ऑयल के साथ और शुगर और नमक के साथ मैदे में डाल दिया था, ईस्ट भी डाल दिया था मैदे में, और अच्छी तरह हाथों से मिक्स करके थोड़े थोड़े पानी से इस डो को मैंने गूंद लिया था और इसको राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया है, थोड़ी सी चिकन ली थी बस मैंने, क्योंकि हमें टॉपिंग के लिए बनानी है। 1 पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, ऑयल बहुत थोड़ा सा लेना है, और लहसुन अदरक थोड़ा सा डाल के इसको फ्राई किया। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, पेरी पेरी सीजनिंग जो होती है 1 टीस्पून मैंने डाली थी यहाँ पे, हॉट बारबेक्यू सीजनिंग डाली थी 1 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर डाला था 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने टिक्का मसाला डाला था 1 टीस्पून। बहुत थोड़े थोड़े से मसाले भी इसमें काफ़ी होंगे क्योंकि चिकन बहुत थोड़ी सी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, उसी में ये चिकन गल जाएगी, ऑयल अलग हो जाएगा इसका। तो आप ऑयल को इसके साथ मत निकालिएगा, सिर्फ चिकन निकालिएगा। दूसरी तरफ मैंने सब्जियां बारीक बारीक काट के रख ली थी, थोड़ी सी प्याज और टमाटर, टमाटर का बीज का हिस्सा मैंने निकाल दिया था, शिमला मिर्च और ऑलिव लिए थे और मशरूम्स लिए थे। यहाँ पर मैंने अब डो को बिछा लिया है 1 पैन में, ये मेरे पास नॉनस्टिक पैन है तो इसके साइज का मैंने डो बेल के और इसके अंदर अच्छी तरीके से बिछा लिया। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड की, उसके बाद सारी सब्जियां रख दी, ऑलिव्स और मशरूम लगा दिए, और उसके अलावा चिकन जो हमने बनाई थी तो वो भी इसके ऊपर लगा दी हमने, और हल्का सा प्रेस कर दिया चिकन को। अब यहाँ पर एक लोहे का तवा मैंने लेके गरम कर लिया था उसको, उसके ऊपर हमने ये नॉनस्टिक पैन रखा और इसको कवर कर दिया एक ढक्कन से। तकरीबन 20 मिनट में ये इस तवे पे हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, पिज़्ज़ा तैयार है। इसकी निशानी ये होगी कि आप इसको हिला के देखेंगे तो ये आसानी से पैन को छोड़ देगा। बहुत मज़ेदार बना था, इसकी डो जो है बिल्कुल नरम सी बनी थी और बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। बहुत जल्दी बन जाता है ये, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, चीज़ मैंने काफ़ी सारी डाली थी इसमें और टेस्ट में ये बहुत मज़े का बना था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी और अच्छी सी और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।